21 वर्ष तो मैं प्रथम सहायक के पद पर रहा और तब तक कंप्यूटर का एक ही उपयोग होता था। जिसको विद्यालय में कंप्यूटर आ जाए उसको गैर शैक्षणिक कार्य भी करने पड़ते थे। गैर शैक्षणिक कार्य मतलब समझ गए, वो टाइपिंग का वर्क करना पड़ता था। तो मेरे पीरियड मिस हो जाते, मेरे कलांश मिस हो जाते थे और जो व्यक्ति लेते थे मेरे कलांश वो मेरा विषय नहीं पढ़ाते थे, तो मेरे बच्चे सफर करते थे। मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे मेरा ही कंटेंट मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाए। उसके एवज में फिर मैंने क्या किया, घर पे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना करके खुद का रिकॉर्डिंग करी और मेरे एब्सेंस में मैं उस टीचर को प्रोजेक्टर लगा करके, या पिछली बार पहले तो बहुत समय पहले तो मैंने सीडी पे चलाता था, तो सीडी उनको देकर के आता था, वो प्ले करते थे, तो उससे उनको भी तकलीफ नहीं होती थी किसी के पीरियड लेने में और मेरा भी काम बहुत अच्छा होता था और बच्चे बड़े प्रभावित होते। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोशाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के दूसरे एपिसोड में मैं अमर चिखले आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मिलने वाले हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहली के अजमेर में कार्यरत 24 वर्ष से शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी सोडी सर से। आइए सुनते हैं सोडी सर ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल किया है। तो नमस्कार सर। तो सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही है? सर मैं प्रारंभिक शिक्षा की जैसे बात करें तो मैं कोई वेल टू डू फैमिली में पैदा नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल निम्न साधारण आय वर्ग वाले परिवार में पैदा हुआ, बट मेरे फादर और मदर को मैंने संघर्ष करते हुए भी बहुत देखा, पर किसी ने भी कंप्रोमाइज नहीं किया पढ़ाई पे, शिक्षा पे किसी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। एक वक्त ऐसा था कि मेरी मदर और अपनी बेटियां यानी मेरी बहनों के साथ में उन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी और उनकी देखिए सफलता ये रही कि उन्होंने एज ए हेडमिस्ट्रेस जब किया, सेवानिवृत्त हुई, वो एज ए हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई। और ऐसे लिए क्या है कि मैं हमारे कभी भी मतलब पढ़ाई के पीछे बहुत जोर दिया जाता था, तो हम चार भाई बहन है, चारों ही बहुत बढ़िया पढ़ लिख लिए, अजमेर के बेस्ट स्कूल में सेंट एंसलम्स में मेरी पढ़ाई हुई और मैंने 90s में कंप्यूटर्स पे हाथ अजमा लिया था। सबसे पहले हमारे स्कूल में ही आए थे, बिजी बी के कंप्यूटर्स थे, तो उसके बाद में मैंने बीएससी बीएड किया केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से। बीएससी बीएड करने के बाद मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिर पीजीडीसीए किया निम्स यूनिवर्सिटी से, वहां पर भी मैंने टॉप किया था। सर किन जरूरतों की वजह से आपने दैनिक शिक्षण कार्यों में ये तकनीकी चीजों का इस्तेमाल शुरू किया था? सर यहाँ कहूँ मैं, मेरी विडंबना यह रही कि मैं सदैव मात्र शुरुआत की नौकरी के 3-4 साल में प्रथम सहायक नहीं था। बाकी मैंने मेरे जीवन के अभी 24 वर्ष लगभग पूरे करने जा रहा हूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो मतलब मैं लगभग 21 वर्ष तो मैं प्रथम सहायक के पद पर रहा और तब तक कंप्यूटर का एक ही उपयोग होता था। जिसको विद्यालय में कंप्यूटर आ जाए उसको गैर शैक्षणिक कार्य भी करने पड़ते थे। गैर शैक्षणिक कार्य मतलब समझ गए, वो टाइपिंग का वर्क करना पड़ता था, तो मेरे पीरियड मिस हो जाते, मेरे कलांश मिस हो जाते थे और जो व्यक्ति लेते थे मेरे कलांश वो मेरा विषय नहीं पढ़ाते थे, तो मेरे बच्चे सफर करते थे। मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे मेरा ही कंटेंट मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाए। उसके एवज में फिर मैंने क्या किया, घर पे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना करके खुद का रिकॉर्डिंग करी और मेरे एब्सेंस में मैं उस टीचर को प्रोजेक्टर लगा करके, या पिछली बार पहले तो बहुत समय पहले तो मैंने सीडी पे चलाता था, तो सीडी उनको देकर के आता था, वो प्ले करते थे, तो उससे उनको भी तकलीफ नहीं होती थी किसी के पीरियड लेने में और मेरा भी काम बहुत अच्छा होता था और बच्चे बड़े प्रभावित होते। बच्चों को पढ़ाने में आपने तकनीकी चीजों का इस्तेमाल शुरू करते समय आपका उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहे थे? मेरा उद्देश्य ये है कि सर देखिए बच्चे में क्रिएटिविटी का सृजन कर दूं, मतलब इनकल्केट कर दूं उसके अंदर, बच्चे के अंदर सृजनशीलता आ जाएगी, चाहे वो मेरे बनाए हुए प्रोग्राम को देख करके कुछ सीखना चाहे या फिर वो जैसे बनाए उस प्रोसेस से कुछ सीखना चाहे। मैं चाहता हूं कि बच्चा सीखे,
बच्चे क्या कल्पना, बच्चे का जो कल्पना है वो विकसित हो, क्योंकि कल्पना एक तरीके से जागते हुए सपने है। कल्पना और सपने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कल्पना करेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर नॉलेज में भी बनेगा, ज्ञान से भी बनेगा और कर्म से भी बनेगा। नॉलेज एंड एक्शन बोथ में ही विल बिकम सेल्फ रिलायंट। तो हमें बच्चे के हिडन पोटेंशियल को जागृत करना है, और वो मैं समझता हूं अगर वो बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसका हिडन टैलेंट, जो उसका पोटेंशियल है, उसके अंदर जो जवाहर है, वो एक अच्छे जगह पर हम अगर उसको नियंत्रित तरीके से फैलने दें तो वो हमसे भी आगे बढ़ेगा। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी भरूं। हर बच्चा यूनिक है, हर टीचर भी यूनिक है, तो हर बच्चा भी यूनिक है। बच्चे एक बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह नहीं बनाना है। हर बच्चे की खूबसूरती उसके खुद में है, उसके सेल्फ रियलाइजेशन में है। वो जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा, जितना अपना नॉलेज साउंड करेगा, जितना इमेजिन करेगा तो बट नेचुरल है वो नॉलेज अक्वायर करेगा। इस तरीके से उसका भी सृजन होगा और हमारा भी सृजन होगा। सर, जब आपने पहली बार शिक्षा कार्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था तो आपको कुछ समस्याओं से भी जूझना पड़ा होगा, तो वो क्या समस्याएं रही थी? देखिए, समस्याएं दोनों तरफ से होती हैं। समस्याएं बच्चों से तो होती है जिनके लिए हम बना रहे हैं। कुछ बच्चों को तो वो जितना वो सब लगाते हैं, सीडी प्लेयर वगैरह लगा रहा करता था मैं, तो वो उनको वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। कभी कोई सर में लगाऊंगा तार में, ये करूंगा वो करूंगा। कुछ बच्चे क्या कंटेंट है वो देखने में इंटरेस्टेड होते थे। कुछ बच्चे क्या है कि ये देखने में इंटरेस्टेड होते थे कि सर ने बनाया कैसे ये, तो वो उनके क्वेश्चन उस तरफ पुटअप होते थे। तो यानी वो कई बार मैंने देखा था कि कुछ बच्चे उद्देश्य से भटक रहे हैं। जो मैं देना चाहता हूं वो ना लेकर के जिस प्रकार दिया जा रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड होते थे। बट मैंने उससे भी एक चीज देखी कि मैंने उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उनको 2-3 पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बताया, तो वो भी खुश हो गए और वो बनाने लगे। क्रिएटिविटी अब बनाएगा क्या जब नॉलेज नहीं होगा, सब्जेक्ट मैटर ही बनाएगा। अल्टीमेटली फिर वो सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके लिए बनाता है। ये परेशानी तो बच्चों की हुई, रही बात मेरे साथियों की भी हुई। आप अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको डिस्करेज बहुत करते हैं। तो मैं ये कहूंगा डिस्करेज नहीं होना चाहिए किसी को भी, अपने काम से धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसा आप जानते हैं अकेला सच तो हमेशा अकेला चलता है, तो भीड़ की आवश्यकता होती नहीं है। तो मैं तो अपना काम करता रहा, जो लोग कहते रहे उनको भी स्वीकार करता रहा। क्रिटिक्स भी जरूरी है, सुधार करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं तो समझता हूँ अपना काम करते जाइए। आप ये भी मत सोचिए कि कोई सराहना कर रहा है, कोई उल्हाना दे रहा है आपको। नहीं, आप अपना काम करें, आपका मन कह देगा कि आपने कितना अच्छा किया और आपने कितना खराब किया है। मेरा तो यही मानना है। आपने किन तकनीकी चीजों का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है? सर, मैंने आपको जैसे बताया, मैं फ्लॉपी डिस्क 4.5 डिस्कीट के जमाने से मैंने सीडी प्लेयर तक, सीडी प्लेयर से पेन ड्राइव तक, पेन ड्राइव से उससे पहले मैंने शुरुआत तो क्ले मॉडल से करी थी। तो मतलब मैंने वो हर सफर का मैं साक्षी रहा हूं और मैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहा हूं। मैंने हर चीज को, मैंने हर तकनीकी विधा का प्रयोग किया। मैंने इवन वो आपको याद हो, मेरे ख्याल से आपके जमाने में तो आपने देखी नहीं होगी, वो स्लाइड प्रोजेक्टर होते थे, उसके ऊपर हम एक बहुत बड़े से, जो आजकल ये कोरोना काल में आगे शीट पहनते हैं, ऐसी एक स्लाइड आती थी, हम इसमें बना करके भी प्रोजेक्ट किया करते थे। तो वो मैंने तो, मेरे को जितना आता है वो सब मेरे बच्चों के लिए, मैं तो ये मानता हूँ। मेरा जितना नॉलेज है वो टीचरों के लिए है, मेरे टीचर्स के लिए है, मेरा जो नॉलेज है वो मेरे घर वालों के लिए, मेरा जो नॉलेज है वो मेरे बच्चों के लिए। सर, आप अपनी टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या क्या करते हैं? सर, टेक्निकल स्किल डेवलप करने के लिए देखिए, आपके साथी अच्छे होना जरूरी है। और मैं बहुत लकी रहा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं CIT, NCERT, क्योंकि मैं रीजनल कॉलेज से पढ़ा हूं, वो NCERT का ही एक पार्ट है, MHRD के अंदर आता है। तो
CIT हुआ, ET सेल अजमेर हुआ, मैं इन सब के साथ रहा। और ये जब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ आप रहते हो तो आपको ऐसे योग्य व्यक्ति मिलते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे होते हैं, और उनके साथ रहने मात्र से आपको एक कंपटीशन की भावना आती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, वो नई चीज जानते हैं, आपको जानने की जिज्ञासा होती है। और मैं ये मानता हूं सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट मैं लेता हूं, क्योंकि मुश्किलें ही व्यक्ति को सिखाती हैं, बाकी अगर आपके पास में कोई परेशानी कठिनाई नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी तो रास्ता क्या ढूंढेंगे। तो मैं तो तकलीफें लेता हूं, चैलेंजेस लेता हूं, कल्पना करता हूं और उनको साकार करने का प्रयास करता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये रविंदर शर्मा जी हैं, ईटी सेल के हेड थे पहले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा बड़ा भाई है गुरप्रीत सिंह, उससे तो मेरी शुरुआत भी कंप्यूटर की बड़ी विचित्र हुई थी सर। मैं एक उंगली से टाइप किया करता था और टाइपिंग के वर्क में मुझे लगाया गया था और मैं इतने फॉर्म नहीं निकाल पाया जितने मेरे को करने चाहिए थे। तो ये दोनों रविंदर शर्मा और गुरप्रीत सिंह जी ने इतना डांटा था, तब मैंने प्रण कर लिया था कि अब मैं कुछ भी हो जाए दोनों उंगलियों ये सारी उंगलियों का यूज करते हुए टाइप किया करूंगा, और मैं जितने अच्छे जानकार हैं टाइपिस्ट हैं उनसे भी आगे निकलूंगा। और मैंने ये करके दिखाया। तो उलहना भी अच्छी होती है, मुश्किलें भी अच्छी होती हैं, आप पॉजिटिव माइंड के साथ फ्रेमवर्क के साथ काम करें, बहुत सक्सेस मिलती है। सर हम तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, तो एक बच्चे को उससे क्या क्या मदद मिलती है? देखिए सर, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो आप व्यवहारिक प्रयोगशाला में भी कराना संभव नहीं होता है। अगर आप हाँ उसका एक अच्छा सा विषय वस्तु आधारित प्रोजेक्ट लेके आ जाएं, जिसको वो खुद करके मतलब माउस से पिकअप करके वो उसको एक तरफ डाले, फिर वो देखे कि क्या रिएक्शन होता है, ये सब है तो वर्चुअल वर्ल्ड का काम है, बट बच्चे का विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। एक बार यदि वो क्लियर हो गया कि वो क्या उसको टीचर देना चाहता है और क्या उसको ग्रहण करना है, ये मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी एक बूम बूम है, एक आशीर्वाद का काम करता है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, एक बार आपने उसको सच सिखा दिया तो आगे का सफर तो वो खुद तय करेगा, उसमें पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी मेरे बच्चों को तो मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यूज करी हमेशा। मैं पेडागोजी को बहुत विश्वास करता हूँ, पेडागोजी में, और मैंने देखा मेरे साथी भी कई लोग बहुत सारा कंटेंट बना देते हैं, बट बहुत सारा कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होता है, आपको उसकी वो देखना चाहिए कि वो यूटिलिटी का है भी कि नहीं है, वो मेरे बच्चे के लिए यूटिलिटी का है कि नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। और तो बहुत जने हैं इस क्षेत्र में। सर आपने दीक्षा पोर्टल के साथ भी काम किया है, तो उसके अनुभव के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। हाँ, दीक्षा पोर्टल में मैंने तीनों रोल प्ले किए, कंटेंट क्रिएटर का भी रोल प्ले किया है, क्लास 6 की साइंस में जो QR कोड लगे हुए हैं उसमें 6 कंटेंट मेरे भी हैं, और कंटेंट रिव्यूअर का भी मैंने पार्ट अदा किया, क्लास 8 की साइंस की बुक का कंटेंट रिव्यूअर मैं रहा हूँ, और इसी तरीके से बुक क्रिएटर का भी मैंने रोल अदा किया है इसमें, और ये रोल भी अदा किया चौथा कि QR कोड हर पुस्तक में, चाहे वो विज्ञान की हो या किसी की भी हो, राजस्थान की जो कितनी किताबें हैं वो QR कोड सही जगह पर लगाए के नहीं लगाए। सफर बहुत रोचक रहा सर दीक्षा का, मुझे कंटेंट क्रिएटर, मैं हमेशा क्रिटिक्स का काम बहुत अच्छा कर लेता हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर का काम करने के लिए सबसे पहला मेरा विपरीत अनुभव रहा कि मैंने कहा हमारा भोजन एक विषय वस्तु था, तो मैंने कहा चलो एक बैलेंस्ड डाइट को सर्च कर लेता हूँ YouTube पे। आप विश्वास करेंगे सर, कॉपीराइट फ्री इमेज मुझे एक भी नहीं मिली जो मैं उसमें यूज कर सकूं। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल बात है, ये मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाऊंगा, कोशिकाएं कैसे बनाऊंगा, लाइसोसोम कैसे बनेगा, माइक्रोब्स कैसे बनेंगे,
मैं बड़ा टेंशनाइज हो गया और फिर प्रेशर भी बहुत होता है कि फटाफट बनाइए आप, बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी, और फिर एक्सपेक्टेशन मेरे से हमेशा हाई रहती है लोगों की। तो आप विश्वास करेंगे सर, मैंने माउस से मैंने सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सबके साथ वो मेरा वीडियो भी शेयर करें। मैंने 3D सीखा उसके लिए, और मैंने वो सारी 3D फिगर्स उसमें इनकलकेट करी, और वो सब मेन बात ये है कि वो कॉपीराइट फ्री है। वो मेरे दूसरे साथी भी चाहेंगे तो वो फिगर्स को यूज कर सकते हैं, मैंने सबके लिए कॉपीराइट फ्री कर दी। अब वो चाहें तो यूज कर सकते हैं, जो मेरे को परेशानी उठानी पड़ी वो दूसरों को नहीं आएगी। तो बस मेरा ये बहुत अच्छा रहा कि मैं 3 चीजें और सीख गया, पेंट पे काम करना सीख गया, पावर पॉइंट का बेहतरीन इस्तेमाल किया, लिब्रे ऑफिस का बहुत, एक्सप्रेस का बहुत अच्छा यूज किया, iOS का बहुत अच्छा यूज किया, और सबसे बेहतरीन चीज मैंने इमेजेस बना दी जो कॉपीराइट फ्री हो गई। सर आपने बोला कि आपने कहा था कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उसमें ICT इन एजुकेशन के लिए भी आपने जो कार्य किया है, तो उसके भी हम लोग अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं राजस्थान के हर चरण में उनके जो प्लानर्स थे मैं उनके साथ रहा, मेरे को उन्होंने मौका दिया इस चीज के लिए। मैं आपको बताऊं सर, मैं एक समय में इन किताबों को EPUB फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें, और हमने उसके लिए प्रयास भी किया था, फिर उसके बाद में किन्हीं कारणों से वो रुक गया। उसके बाद में हमने ये QR कोड का काम लिया, वो बेहतरीन तरीके से किया। अभी मैं आपको बताऊं सर, रिसेंटली हमने जो है राजस्थान का जो एक वर्कशॉप अटेंड किया, जो कि एजुकेशन करिकुलम फॉर टीचर्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज पे था, CIT में था, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयोजित किया था, मैं उसमें एज अ मेंबर गया था। तो अब बस जल्दी ही हम करिकुलम पे आएंगे जो टीचर्स के लिए भी होगा, जो ICT का करिकुलम है वो टीचर्स के लिए भी होगा। आपको जानकारी होगी कि पहले से कई लोगों ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि करिकुलम पहली से पांचवी तक के बच्चों का नहीं है, जो ICT का करिकुला है वो पहली से पांचवी बच्चों तक का नहीं है। तो मैं उनको भी एक चीज साझा करना चाहूंगा कि उनका एज अ विषय वस्तु तो नहीं है, परंतु 130 गेम ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो वो बच्चों के लिए है। बच्चे देखिए, शुरुआत में बच्चा क्या माउस कंट्रोल सीख ले, यही होगा, शब्दों को क्वाइनिंग करना सीख जाए, की को प्रेस करना सीख जाए, तो पहली से पांचवी तक के बच्चों का 130 गेम हमने CIT ने आइडेंटिफाई किए हैं और वो करिकुलम है। जैसे फॉलिंग वर्ड्स है एक गेम का नाम है, एक क्लिक ऑन मी है, एक पेनल्टी किक है, पेनल्टी किक में डबल माउस क्लिक करना सीखता है बच्चा, फॉलिंग वर्ड्स में जो अक्षर नीचे गिर रहा है उसको क्लिक करना होता है, तो पहली से पांचवी तक का भी है। छठी से बारहवीं तक का करिकुला पे भी वर्क हो रहा है, और सेम प्रोसीजर के साथ में टीचर्स के लिए भी वर्क हो रहा है। ये चार स्ट्रेंड्स पे काम कर रहे हैं हम। एक तो है कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, फिर है कनेक्टिंग विद ईच अदर, और तीसरा स्ट्रेंड है क्रिएटिंग विथ ICT, और चौथा है इंटरैक्टिंग विथ ICT। तो इन चार मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के करिकुला डेवलप हो रहा है। राजस्थान स्टेट भी उसमें एक है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा सा करिकुला डेवलप होगा, और जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है वो भी कंप्यूटर फ्रेंडली धीरे धीरे हो जाएंगे। और सबको जरूरी है, देखिए बच्चे से अगर अपन एक कदम आगे नहीं निकलेंगे तो वो सम्मान भी प्राप्त नहीं होगा और हम आउटडेटेड हो जाएंगे, तो साथ रहना जरूरी है। तो मेरा साझा ये मैंने आपके साथ किया, अभी बहुत अच्छा करिकुलर डेवलप होने वाला है। सर शिक्षा के क्षेत्र जो तकनीकी इस्तेमाल आपने शुरू किया है उसमें आपकी विशेष उपलब्धियां क्या रही है? सर अगर आप उपलब्धियां इनामों के रूप में करें तो मुझे तो आज तक कोई अवार्ड मैंने रिसीव नहीं किया एज एन ICT, बाकी एज अ टीचर
एज अ मेंटर तो मैंने बहुत सारे अवार्ड अचीव किए. मुझे सर काम करने का बहुत शौक है, आप विश्वास नहीं करेंगे. मैं शास्त्रीय संगीत भी मैंने सीखा हुआ है, मैं मूर्तिकला शिल्प में भी, मैंने राजस्थान ललित कला अकेडमी का अवार्ड आर्टिस्ट हूँ. मैं मूर्तियां बनाता था, मिनिएचर अभी भी बनाता हूँ. फिर मेरे को ये कंप्यूटर्स का शौक लगा तो मैं अब कंप्यूटर्स में आया हूँ फुल अच्छे तरीके से. अब सृजन करते हैं और सबसे बड़ा एप्रिसिएशन तो ये है कि आप स्टेट कोर कमेटीज में जाने का आपको मौका मिल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं कोई आपको अप्रिशिएट तो कर ही रहा है आपके टैलेंट के लिए. बाकी रही बात सर अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स से तो अभी तक तो दूरी बनी हुई है एज एन ICT टीचर. शिक्षकों को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए सर, एक जमाना था जब हम सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते थे, और आज वो समय आ गया है कि मैं समझता हूं कि ये कोरोना काल में सबने समझ लिया कि जूम कितना अच्छा है और कितना खराब है, गूगल मीट कितनी अच्छी है खराब है, जिट्सी क्या है, ओपन सोर्स क्या है, कॉपीराइट क्या है, लाइसेंसिंग क्या होता है, एट्रीब्यूशन क्यों देना चाहिए, प्लेगरिज्म क्या होता है, सेफ एंड सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेसी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, विकिपीडिया क्या है, अब तो आप जैसे आपने खुद ने बताया कि ई पोर्टफोलियो, फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग. तो अब मैं समझता हूँ टीचर के लिए कोरोना काल बहुत बेनिफिशियल रहा, उन्होंने इन सब चीजों से बहुत कुछ सीख लिया. और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने NCERT के लोगों से जब मैं मिला तब मुझे पता चला कि जो देवलियास फॉन्ट में यूज कर रहा हूं वो भी कॉपीराइटेड है, तो मुझे यूनिकोड में काम करना चाहिए. तो देखिए सबसे सीखता है, मैं चाहता हूं कि आप भी यूनिकोड में काम करें, कॉपीराइट फ्री से काम करें. आप लाइसेंस जो प्राप्त करें वो क्रिएटिव कॉमन्स से लाइसेंस प्राप्त करें, और कोशिश करें कि CC BY 0 लें ताकि आपके कंटेंट को कोई दूसरा उपयोग में ले सके. क्योंकि देखिए सर, मैंने दीक्षा के कंटेंट क्रिएशन में मैंने पाया कि मेरे पास में कोई भी एक अच्छी फिगर तक, एक साधारण भोजन की थाली का फिगर भी नहीं मैं प्राप्त कर पाया. तो मैं ये चाहता हूं कि जितने मेरे साथी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं वो खुद ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का प्रयोग करें, और अपने रिसोर्सेज भी दूसरों के लिए ओपन रखें. और रही बात साइबर सिक्योरिटी की, तो वो तो एकदम से बिल्कुल अलग विषय वस्तु है कि हमको देखना चाहिए STPP के बाद में S आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिमिलियर साइट्स होती हैं, एक दो अक्षर चेंज कर दिए जाते हैं उन साइट्स पे, हम भ्रमित हो जाते हैं और हम वहां चले जाते हैं और काफी नुकसान कर बैठते हैं अपना भी. और तो ये सारी चीजें अब कोरोना काल में एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्व लेकर के आई है. काफी चीजें वो बेचारा मजबूरी में सीखा, परंतु ज्ञान स्थायी हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद. आज के इस एपिसोड में हमने आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी सोडी सर की, उनकी टेक्नोलॉजी शिक्षा, टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करना जो शुरू किया है, उन्हीं के हमने उनकी कहानी को हमने सुना. तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले. ऐसी कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जो कहानी हम लोग लेके आ रहे हैं उसके लिए हमें ईमेल भी करके बताएं. और आखिरी हमारा जो संदेश है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.